मेरे सामने गाड़ी आप देख सकते हो, यूपी 12 मुजफ्फरनगर है, और इनके गाड़ी के बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों ये है गाड़ी का डैशबोर्ड जो आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल टॉप मॉडल है, टैक्सी नंबर है, यूपी 12 मॉडल है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं डैशबोर्ड है इसका, इस तरीके का एसी वगैरह का है सारा, स्पेस भी अच्छा है। ये हॉर्न है हाथ में गाड़ी का, प्लेट, ये सारी चीज़ें दोस्तों। ये एसी का चार्जिंग पॉइंट, क्लच गियर, ये देख सकते हैं नीचे पायों में। बाकी यहाँ पे काफ़ी स्पेस दे दिया सामान वगैरह रखने का, बॉटल वगैरह रख सकते हो, पानी का, सेंट वगैरह रख सकते हो, और आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। है दोस्तों नमस्कार, आने में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं हूँ चंडीगढ़ में, और एक उस्ताद जी हमें मिल गए जो जिनकी ओरा गाड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज इस गाड़ी के रिव्यू लूँगा। ये रही मेरे सामने गाड़ी, आप देख सकते हो यूपी 12 मुजफ्फरनगर है, और इनके गाड़ी के बारे में पता करते हैं क्या क्या फीचर्स है, और गाड़ी में क्या डाउन पेमेंट है, गाड़ी कितने की बैठी है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर दोस्तों, फिर बताते हैं आपको कि ये गाड़ी का क्या फीचर्स और क्या क्या रहा है इनके साथ अनुभव। आज उस्ताद जी फटाफट। तो दोस्तों ये है गाड़ी का डैशबोर्ड जो आप देख सकते हो, और ये ओरा गाड़ी है, बिल्कुल टॉप मॉडल है, टैक्सी नंबर है, यूपी 12 मॉडल है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं डैशबोर्ड है इसका, इस तरीके का एसी वगैरह का है सारा, स्पेस भी अच्छा है। ये हॉर्न है हाथ में गाड़ी का, प्लेट, ये सारी चीज़ें दोस्तों। ये एसी का चार्जिंग पॉइंट, क्लच गियर, ये देख सकते हैं नीचे पायों में। बाकी यहाँ पे काफ़ी स्पेस दे दिया सामान वगैरह रखने का, बॉटल वगैरह रख सकते हो, पानी का, सेंट वगैरह रख सकते हो, और गाड़ी बिल्कुल नई चमचमाती गाड़ी है, और कितने साल पुरानी ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। देख सकते हो अभी पन्नी तक नहीं उतरी है दोस्तों। तो पीछे का भी स्पेस दिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों। ये देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती ओरा ने क्या बनाई है, देख सकते हो ये एसी पीछे दे दिया है, चार्जिंग पॉइंट भी पीछे दे दिया है, पीछे वाले कस्टमर के लिए कोई इशू ना हो। बाकी इन्होंने अभी कवर वगैरह लगा तो ली है, और ये देख सकते हैं सबसे बड़ी बात कि ये एक्स्ट्रा फीचर है, बीच में अपना एक डैशबोर्ड जैसा बन जाएगा पीछे, ये सारी फीचर्स है। तो चलिए दोस्तों अब बात कराते हैं इन उस्ताद जी से जो गाड़ी का ओनर है, इन्होंने गाड़ी कितने की ली और गाड़ी कितने के बैठा। अब गाड़ी के अंदर आ गए हैं और आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। ये उस्ताद जी कंबल उम्बल ओढ़ के, ठंड लग रहा है इनको। उस्ताद जी क्या हाल है आपके? बढ़िया है भैया। आपने ओरा गाड़ी ले ली, मिठाई का मुंह मीठा करा होगा यार? मीठा मुंह कराएंगे, चलो। चलो और बताओ कैसे चल रहा काम धंधा? काम धंधा ठीक चल रहा है। तो आपने ये गाड़ी कहाँ से ली सबसे पहले तो ये बताओ सभी को। मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है दोस्तों। ये उस्ताद जी है, जरा इनकी शक्ल दिखाओ यार थोड़ा सा। ये है, आपने गाड़ी कितने की ली और कहाँ से ली, पूरी डिटेल्स, कितने डाउन पेमेंट की, क्या क्या लगा, सब कुछ बताना XYZ। ये मुजफ्फरनगर से कट ली है हमने। मुजफ्फरनगर से? अच्छा, गाड़ी कितने की पड़ी? ये पड़ी है हमको भैया 12,40,000 में पड़ी है। 12,40,000 रुपए। कौन सी गाड़ी है? ऑल इंडिया परमिट है, NCR है? ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट है, अच्छा। तो आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी लेने गए थे तो अकेले गए थे या किसी के साथ गए थे, या किसी से जान पूछ के ली गाड़ी, अपने मन से ले ली? नहीं नहीं, अपने मन से ली है गाड़ी। अपनी मन से ली है, मतलब काम करने का पूरा मूड था इसलिए अपने ले लिया। तो दोस्तों ये चीज़ है, ऐसा करना भी चाहिए आदमी को। तो अभी ये बताइए इसका डाउन पेमेंट कितना हुआ था? डाउन पेमेंट दिया था हमने 280 दिया था हमने इसमें। 280,000? अच्छा, 280,000 डाउन पेमेंट। और ईएमआई कितने की बनी? ईएमआई इसकी 20,500 रुपये की है भैया। 20,500 की है? 4 साल का केस है। 4 साल का केस है, अच्छा जी। थोड़ा ज्यादा महंगी नहीं पड़ गई? कुछ महंगी है थोड़ा। ब्याज कितने परसेंट लगाया आपको? ब्याज 9 का लगाया हमने। 9 का? आपको ध्यान नहीं है मतलब? नहीं, 9 का लगाया, हमारा सिविल खराब था। अच्छा, सिविल खराब था। मेन इस लाइन में सिविल का ये फंडा है। हाँ। सिविल अच्छा है तो आपका ब्याज कम लगेगा। जैसे मेरी गाड़ी है ये 10,12,000 की, 10,15,000 की बढ़ी हुई है। मेरी सिविल 12, मेरी सिविल खराब थी, 639 सिविल था। तो मेरी गाड़ी की 15,000 EMI है, 14,990।
और ये गाड़ी मेरे को 8,06,000 की पड़ी थी कैश में, बट लोन वगैरह लेकर 10,15,000 की पड़ी थी, ठीक है। और इसकी ईएमआई 14,990 है और मैंने डाउन पेमेंट किया था 2,90,000 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी। तो अब ये बताइए कि जब आप लेने गए तो क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा गया? डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और पैन कार्ड और लाइसेंस, और जी बस हमने यही दिया था। जमीन के कागज मांग रहे थे, खेत की हो या घर की हो जमीन, वो हमारे पास नहीं थे कागज जमीन के। अच्छा, उसमें कम हो जाता है लोन, थोड़ा हल्का पड़ जाता है उससे। अच्छा अच्छा, तो अभी टाइम से किस्त जा रही है? नहीं जा रही, टाइम से जा रही है किस्त, तो टाइम से किस्त जा रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इसमें फीचर्स वगैरह भी सही है। इन्होंने गाड़ी कितनी डाउन पेमेंट की थी? 2,80,000 डाउन पेमेंट किया और इन्होंने गाड़ी ली। और चलने में क्या एवरेज दे रही है गाड़ी? चलने में हाईवे पे काट देती है जो 29-30 का एवरेज, 29-30 मतलब डीआर के बराबर एवरेज दे रही है। अच्छा, और एसी वगैरह क्या है इसका? अभी आपने चलाई, आपको पता होगी ठंडा कैसा करता है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या कहते हैं, एसी कैसा है? एसी कट वगैरह तो नहीं करता कोई? सीएनजी का कटअप? नहीं। सीएनजी कितने सिलेंडर, कितने किलो आती है इसमें गैस? इसमें आती है भैया, इसमें 11 किलो आ जाती है, बढ़िया प्रेशर हो तो। अच्छा, बढ़िया प्रेशर हो तो 11 किलो आ जाती है? 11 किलो आ जाती है। डीआर में तो 8-8.5 किलो तक आती है यार। 11 किलो आ जाती है, मैंने आज ही भरवाई है। अच्छा, मतलब एक सिलेंडर में बंदा दिल्ली से जयपुर आराम से जा सकता है, कुछ बच भी जाएगा। एक सिलेंडर में जाता हूं और वहां पे भी तिंगे तिंगे घुमा लेता हूं गड्डी। अच्छा, ये बात है। एक सिलेंडर में मैंने 330 किलोमीटर में गाड़ी चला दी अपनी। अच्छा जी, जी आपने गाड़ी कब ली थी? ये कोई मैं 4 महीना हो चुका है ली। 4 महीने गाड़ी हो गई, जब पन्नी वन्नी भी नहीं उतरा अभी तक तो। अच्छा, गाड़ी अच्छी लग रही है। मतलब सबसे बड़ी बात देख सकते हो, ये चार्जिंग का डायरेक्ट आईफोन का चार्जर भी लगा सकता है, यूबीएस लगा सकता है, बाकी ये चार्जर भी है। एक बार ऑन कीजिएगा मीटर। ऑन है, ऑटो है क्या ये? हाँ, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक है, चाबी की जरूरत ही नहीं है? नहीं, चाबी की जरूरत नहीं है। ये बटन स्टार्ट पावर स्टे वो है, इंजन स्टार्ट बटन ओरा, देख सकते हो दोस्तों वो है बटन। और टेक्नोलॉजी बहुत लाया है ओरा ने भी। और आपके सामने देखो गाड़ी कितनी चली है, 20,000 किलोमीटर चली है टोटल, 20,026 किलोमीटर। सीएनजी पेट्रोल है। और सबसे मुझे मतलब एक मेंटेनेंस फीचर्स के मामले में देखा जाए तो ओरा थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्या है मतलब मेंटेनेंस कितने आता है हर महीने का इसका? आपने कितनी सर्विस करवा दी इस गाड़ी की अभी तक? गाड़ी की सर्विस हो चुकी है इसकी, एक एक कलवल को होएगी इसकी। अच्छा, कलवल होगी, जब भी गांव जाना होगा कल को या परसों हो। अच्छा, कितनी सर्विस हो गई इसकी अभी? इसकी अभी दूसरी सर्विस है, अब गई है, एक पहले शुरू हुई थी। 10,000 रुपए होती है सर्विस, नहीं 1,000 रुपए करवाते है। नहीं, पहली सर्विस तो 1,000 रुपए थी वो। हाँ, दूसरी आपने 10,000 रुपए कराई थी वो, अब जब 20 चल गई ना, अब 30 हो चुकी। अच्छा, तीसरी आप करवाओगे? अब करवाऊंगा। ओके, तो आप क्या क्या दिए थे मतलब गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगा था? बैंक का स्टेटमेंट भी लगा था? हाँ, बैंक का स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैच भी मांगा था? बैच जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का बैच बनता है? नहीं नहीं, वो नहीं मांगा हमसे। अच्छा, जब आपने गाड़ी लेने गए तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा? ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा ना? उसके बाद गाड़ी कितने दिन में मिल गई थी आपको? ये गाड़ी मिल गई थी 3 दिन के बाद, फाइनेंस का रखा है ना मैंने इस पे। अच्छा, फाइनेंस में थोड़ा टाइम लग गया था मेरा वहाँ पे। अच्छा, मतलब फाइनेंस होके गाड़ी आपने ऑर्डर दी? हाँ, एकदम। और फाइनेंस होके कितना टाइम लग गया था, मतलब इस दोनों काम में कितना टाइम लग गया था? दोनों काम में कोई समथिंग 3 दिन, 3 दिन से 4 दिन। इतना जल्दी लोन कर दिया था? बड़ा सर्विस फास्ट। कौन सी बैंक से करवाया आपने? ये महिंद्रा से। अच्छा, महिंद्रा से, महिंद्रा से तो मेरी भी गाड़ी है दोस्तों, देख सकते हो वो रही मेरी सामने महिंद्रा, एंड महिंद्रा गाड़ी खड़ी हुई। और हम लोग अभी चंडीगढ़ पार्किंग में हैं, चंडीगढ़ बस अड्डा सेक्टर 17 के पास। और ये उस्ताद जी मिल गए नई गाड़ी लेके, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आज इनके साथ ही ब्लॉग बना लेते हैं। और गाड़ी की रिव्यू आज तक नहीं आया मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लग सकते हैं। और ये चारों पावर विंडो है, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, चारों पावर विंडो है ड्राइवर के कंट्रोल में। ये देख सकते हैं ड्राइवर कंट्रोल सिस्टम, समझ रहे हो, लॉक अनलॉक चारों पावर विंडो, क्या बोलते हैं अपना शीशे को मैनेज करने वाली बटन भी इसमें है। बट ये चीज़ें ड्राइवर इसमें नहीं दे रहा है, मतलब क्या बोलते हैं डीआर में नहीं है दोस्तों, डीआर में इसमें इसलिए नहीं है कि वो टैक्सी बेस्ड मॉडल है। और ये गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर नहीं हो रही है अभी इस टाइम, यूपी में हो रही है या हरियाणा में हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली में रजिस्टर नहीं दे रहा कंपनी, पता नहीं क्यों नहीं दे रही, भगवान जाने। तो ये एलईडी वगैरह आपने लगा के लिया था या कैसे लिया था? सब कंपनी से फिटेड, सब कंपनी से फिटेड है, मैंने कुछ नहीं कराया। एसेसरीज कुछ लिया आपने? नहीं लिया मतलब एसेसरीज, मतलब ये म्यूजिक या कुछ आपने पैदान
पट्टी वगैरह ये सब जो लगा के देते नहीं, नहीं, मैंने सब सब कंपनी, मैंने कुछ नहीं कराया अगले गाड़ी में। अच्छा, सब कुछ कंपनी करा के दिया था? कुछ कंपनी सब कुछ। अच्छा, तो इसमें एलईडी में क्या चलता है, म्यूजिक एफएम या? इसमें म्यूजिक चल, म्यूजिक चल, लेकिन एंड्रॉइड में है, जो एंड्रॉइड नहीं है मैप चलता है, मैप चल जाता है, मैप चल जाता है, वीडियो वगैरह नहीं चलता है, वीडियो वगैरह नहीं चलता, यूट्यूब नहीं है मतलब इसमें, जैसे हम लोगों ने यूट्यूब लगा रखा है वो यूट्यूब नहीं है। बाकी गाड़ी बिल्कुल, इसमें कितने एयरबैग है? इसमें चार एयरबैग है। चार होती हुए? चार एयरबैग है। अच्छा जी, एक एक दो, दोनों बराबर साइड है हमारी है, और एक ही है मेरे, दो एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, ये दोनों साइड है, उधर पड़ी साइड है। अच्छा जी, यहाँ पे है सर, वहाँ पे है, इसमें ये गद्दी में ही बता रहा था। अच्छा, चार एयरबैग है, उन्होंने बताया था चार एयरबैग। अच्छा जी, और दोस्तों देख सकते हैं काफी स्पेस है, ड्राइवर हाथ में तो कंट्रोल है ही, साथ में ये देख सकते हैं बटन वगैरह इसका, पावर विंडो का, पानी के बोतल रखने का स्पेस, बाकी कंफर्ट आप पैर के हिसाब से बहुत ही कंफर्ट है। डैशबोर्ड पे ये आपका फोन वगैरह रखने का, जैसे डिजायर में है वैसे आपका ये छोटा सा डिक्की वो मिल जाता है, अपना बॉक्स यहाँ पे अपना कुछ रखने का। बाकी सबसे बड़ी प्यारी एसी का ये जो विंडो है ना, ये बना हुआ, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक। देख रहे दोस्तों किस तरीके से एसी क्या है, ये तो सबसे प्यारा लगा। और एसी बहुत ही ज़्यादा कूलेंट वाली ये सिस्टम होगी, क्योंकि इसमें बहुत गजब का सिस्टम बनाया है। ये पीछे भी आपने बताया था मैं जैसे कि आपको, तो ये सारी चीज़ें है दोस्तों, और सेम पीछे भी ऐसा, और सीट बेल्ट तो है ही अपना। तो इस पर सीट कवर लगा के दिया था कंपनी या आपने लगवाया था? कंपनी से ये सब कुछ कंपनी, मतलब कंप्लीट करके आपको 12 कितने की बैठी गाड़ी? 1240 की बैठी, 1240,000 रुपये की। अच्छा चलो, 1240,000 की बैठी भाई, जो भी है। लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई, काम धंधा करो, मेहनत करके अपना कमाओ खाओ, गाड़ी चलाओ, जितना टाइम मिले काम धंधे में बिल्कुल दो, क्योंकि इससे आप ही का बढ़िया है। क्योंकि भाई आजकल बेरोजगार लोग बैठे हैं बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट के बताइए कि इस ब्लॉग में आपको वीडियो का पार्ट क्या अच्छा लगा, गाड़ी का डैशबोर्ड से लेके मैं एक एक चीज़ दिखाया आपको। आप पीछे का स्पेस दिखाता हूँ एक बार, डिक्की खोलिए, दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ सीएनजी जो इनके इनके गाड़ी में कैसी है, ये देख सकते हो। ये देखो भाई साहब, गजब सिस्टम है यार, इसमें तो स्पेस भी अच्छा खासा है, डिजायर से तो काफ़ी अच्छा है भाई। ये जो है ना काफ़ी, ये जो हिस्सा है काफ़ी थोड़ा बाहर है, और सीएनजी ने ये डिजायर में क्या है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला थोड़ा अंदर है और सीएनजी बाहर है, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी पतली पतली बैग अटैची आ जाती है, बट जो नई वाली आ रही है, लेकिन अभी ये इस वाले में खास करके बहुत अच्छा स्पेस दिया है, अंदर देख सकते हैं पूरा स्पेस। इधर कंबल रखने के बाद दो छोटे छोटे बैग भी, तीन आ सकता है आराम से, छोटे छोटे ट्रॉली, बड़ी ट्रॉली आ जाती है इसमें, बड़ी बड़ी ट्रॉली भी आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा ये गाड़ी का फीचर्स है। बाकी आपके सामने देखिए पीछे से बैक क्या दिख रहा है आपको, है ना, चलने में भी बहुत अच्छी और स्मूथ चलती है गाड़ी। दो सेंसर लगा दिए कंपनी ने, एक एरा एक एरा दोस्तों, ठीक है, गाड़ी नंबर एरा आपके सामने, आप चेक कर सकते हो उस पर। बाकी इन्होंने उस्ताद ने अभी कैरियर नहीं लगवाया, क्योंकि बाहर के काम करते हो तो कैरियर लगाना जरूरी है, समझ रहे हो ना, सामान वामान होता है तो कस्टमर फिर कैंसिल कर सकता है। बाकी आपको फ्रंट का दिखा देता हूँ, फ्रंट का ये है देख सकते हो, बाकी अभी रिबन वगैरह नहीं कटा है इनका गाड़ी का, लाइट वाइट सब ऐसा ही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये हमारे उस्ताद जी है, कैसा लगा मेरे साथ वीडियो बनवा के रखे, अच्छा लगा यार। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।